श्री गणेशाय नमः। मैं आचार्य हिमांशु उपमन लेकर उपस्थित हूँ आपका दैनिक राशिफल डेली वज इंडिया के कार्यक्रम एस्ट्रो वज में। और आज के दिन हम जानेंगे कैसा रहने वाला है आपकी राशि के जातकों का आज का दिन, किसके जीवन में क्या समस्याएं आएंगी और किस विषय से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी, और साथ ही क्या होगा उन राशियों के जीवन में जिन्हें आज लाभ प्राप्त होने वाला है, कौन से माध्यम से लाभ प्राप्त होगा ये जानेंगे हम आज के दिन। और साथ ही जानेंगे क्या रहने वाला है आज का पंचांग, क्या कहती है पंचांग की स्थिति, और साथ ही आज का राहु काल, अभिषित मुहूर्त और इन सब के पश्चात आज का वो महा उपाय जो एक जानकारी के साथ होगा जो आपको अभी तक प्राप्त ना हुई हो, जिससे निश्चित ही आपका कल्याण होगा। तो आइए आरंभ करते हैं आज के पंचांग से और जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। दिनांक 26 सितंबर सन 2021 आज का पंचांग इस प्रकार से रहने वाला है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि जो दिन के 10:57 तक रहने वाली है। कृतिका नक्षत्र आज दिन के 1:47 तक रहने वाला है। और आज बुध ग्रह का अस्त पश्चिम दिशा की ओर होने वाला है। यह था आज का पंचांग। अब वर्तमान समय चल रहा है पितृपक्ष का। जब आप सभी सोचेंगे कि पंचमी तिथि 10:57 तक है तो आज किस तिथि से जुड़ा हुआ श्राद्ध होगा, तो दर्शकों आज के दिन षष्ठमी तिथि से जुड़ा हुआ श्राद्ध कर्म किया जाएगा। और क्योंकि षष्ठमी तिथि मध्यान्ह काल को भेद कर रही है और दशमी तिथि मध्यान्ह तक पहुंचती ही नहीं है पंचमी तिथि, जिस कारण से आज के दिन षष्ठमी तिथि से जुड़ा हुआ श्राद्ध कर्म किया जाएगा। अब जानते हैं आज के राहु काल के बारे में। आज का राहु काल सायं 4:30 से 6 तक रहने वाला है। यह वह समय है जो किसी कार्य के लिए निषेध है। आज का अभिजित मुहूर्त 11:35 से 12:23 तक रहने वाला है। यह वह समय है अभिजित मुहूर्त जिसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं जिससे आपको सदैव लाभ की प्राप्ति होगी। अब चलते हैं हमारे आज के राशिफल की ओर और जानते हैं क्या कहता है आज किस राशि का राशिफल। आरंभ करते हैं प्राय की तरह ही मेष राशि से। आज के दिन आपकी राशि के जातकों को अपनी शारीरिक समस्या या रोग के निवारण में अपने जमा धन को खर्च करना पड़ सकता है। यह दिन आपके लिए उचित नहीं रहने वाला है। आपको किसी अन्य क्षेत्र में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, लेकिन शारीरिक समस्या और धन की समस्या आज के दिन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यह था आज मेष राशि के जातकों का हाल। अब चलते हैं अगली राशि सूर्य की राशि वृष की ओर और जानते हैं कैसा रहने वाला है शुक्र की राशि वृष का राशिफल आज के दिन। आज आपकी राशि के जातकों को भाग्य का सहारा मिलेगा और भाग्य से उनके लिए जीवन के नए अवसर उत्पन्न होंगे, परंतु आपको अवसर तो प्राप्त होने वाले हैं पर आपके द्वारा पहले किए गए किसी कार्य के कारण, किसी वादे के कारण आज आपका मन असंतुष्ट भी रहने वाला है। मन को विचलित करने वाली स्थितियां आज के दिन बनती दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं अगली राशि मिथुन राशि की ओर। आज का दिन आपकी राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आज के दिन आपको शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह शारीरिक समस्या आपके नेत्रों में, आपके मस्तिष्क में पीड़ा करने वाली रहेगी, आपको पीड़ा प्रदान होगी और इन सब के निवारण में आज आपका धन अधिक मात्रा में खर्च होता जान पड़ता है। अब चलते हैं अगली राशि कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जो जातक हैं आज उनको उनके कार्य क्षेत्र में लाभ के रूप में धन की प्राप्ति होने वाली है। परिवार के ओर से खुशियां भी आपको प्राप्त होने वाली हैं।
यह दिन आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। तो आज के दिन का आप आनंद ले, हरि नाम का सुमिरण करें, निश्चित ही आपका अधिक से अधिक कल्याण होगा। अब चलते हैं अगली राशि, सूर्य की राशि सिंह की ओर। आज आपके संस्थान या व्यवसाय से जुड़े हुए कार्य तो पूर्ण होंगे, परंतु यह परंतु क्या है, इन सब को पूर्ण करने में आज के दिन आपको धन की हानि भी हो सकती है। आज के दिन किसी भी अनुबंध को करने से पहले पूर्ण विचार कर ले, अन्यथा यह अनुबंध आपको नुकसान पहुंचाने का कारण बनने वाला है। तो अब चलते हैं कन्या राशि, बुध की राशि कन्या की ओर, और जानते हैं आज कैसा रहने वाला है दिन। आज के दिन आपकी राशि के जातकों को उच्च रक्तचाप से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह समस्या आपको आपके द्वारा किए गए क्रोध के कारण प्राप्त होने वाली है। ऐसे आपको उच्च रक्तचाप नहीं होगा, परंतु आप अगर अधिक क्रोध करते हैं तो निश्चित ही क्रोध आज आपके लिए शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला साबित होगा। आज आपको कोई अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिससे आपका कोई कार्य ना होगा, कोई स्वार्थ ना होगा और कोई लाभ ना होगा, ऐसी यात्रा। अब चलते हैं अगली राशि, तुला राशि की ओर। तुला राशि जो है, आज के दिन आपकी राशि के जातकों को वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी है, अन्यथा आपके द्वारा कोई अरिष्ट घटना घटित हो सकती है और उसके कारण आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी दांव पर लग सकती है। साथ ही आज आपको धन हानि के भी योग बनते दिख रहे हैं। यह दिन आपकी राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं व्यतीत होने वाला है, तो आपको चाहिए कि आज के दिन आप स्वयं पर पूर्ण संतुलन रखें। अब चलते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि की ओर। यह दिन आपकी राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है। किस प्रकार से, आज आपको आपके किसी पारिवारिक रिश्ते संबंधी के द्वारा धन का लाभ प्राप्त होने वाला है, और साथ ही आज आपको आपके किसी अपने व्यक्ति के द्वारा जो आपका बहुत करीबी है पद मिलने वाला है, उसके द्वारा आपको खुशियों की प्राप्ति भी होने वाली है। अब चलते हैं अगली राशि, धनु राशि की ओर। यह दिन आपके लिए कार्य को पूर्ण करने वाला रहेगा। आज अपने पीछे छूटे हुए जो कार्य हैं, जो आपने अधूरे छोड़ दिए हैं, आज के दिन आप उन्हें भी पूर्ण कर सकते हैं। आज आपके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होने वाले हैं। आज धनुराशि के जातकों को आरोग्यता की भी प्राप्ति होगी, अर्थात शारीरिक जो विकलता, शारीरिक जो समस्या है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। अब चलते हैं मकर राशि की ओर। कर्म फल प्रदाता भगवान शनि इस राशि के स्वामी हैं, और मकर राशि के जातकों का आज का दिन विषम परिस्थितियां लेकर आने वाला है। आज आपकी नौकरी पर संकट के बादल छाने वाले हैं और आज आपका मन भी असंतुष्ट रहने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के दिन आपको मानसिक समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों का यह दिन उनके लिए अच्छा नहीं व्यतीत होता दिख रहा है, परंतु कब, जब आपके कर्म आपको अच्छा फल ना प्रदान कर सके, उस परिस्थिति में आपको यह दुख आज प्राप्त होने वाले हैं। अब चलते हैं अगली राशि, कुंभ राशि की ओर। आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में कलह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कलह किस प्रकार से, आज आपके सहयोगी कर्मचारियों से आपका विवाद होने के योग बनते दिख रहे हैं, और विवाद के कारण आज के दिन आपको भय का भी सामना करना पड़ सकता है। कहा जाए तो यह दिन आपका आज उलझनों में ही व्यतीत होने वाला है। अब चलते हैं बृहस्पति की राशि मीन की ओर। आज के दिन आपको जय की प्राप्ति होगी, परंतु संशय की स्थिति बनी रहने वाली है। यह जय आपके जीवन में संशय की स्थिति सृजित करने वाली रहेगी। आज के दिन आपको यात्रा करना उचित नहीं रहने वाला है, क्योंकि आज आपको यात्रा में कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तो अब चलते हैं हमारे आज के महा उपाय की ओर।
और उससे पहले एक चीज, मैं एक विषय आप लोगों को बता दूं, हमारे जो पितृ होते हैं उनमें जो सबसे ज्येष्ठ पितृ होते हैं वह होते हैं आदित्य स्वरूप, अर्थात भगवान आदित्य का स्वरूप होते हैं। और आदित्य कौन है? भगवान सूर्य नारायण। तो अपने उन पितृ स्वरूपी आदित्य स्वरूपी पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य का प्रसन्न होना आवश्यक है। तो आपको चाहिए आज के दिन भगवान सूर्य नारायण के निमित्त अर्घ प्रदान करें और उसके पश्चात देसी घी और गुड़ का दान करें। और यह दान मध्याह्न के समय करना है, क्योंकि पितृ और सूर्य दोनों ही मध्याह्न में बलवान होते हैं, और इससे निश्चित ही आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे। यह उपाय आपका कल्याणकारी आपके लिए रहने वाला है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं आचार्य हिमांशु उपमन कल इसी समय इसी स्थान पर आप सबसे पुनः मिलूंगा आपके दैनिक राशि फल और एक ऐसे निवारण के साथ जो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने वाला साबित होगा। डेली बज इंडिया के कार्यक्रम एस्ट्रो बज में जय श्री राधे, जय श्री श्याम।